इत्थे लूले बाहां फड़दे ने, इत्थे लंगड़े दौड़ां लाउंदे ने, गंजियां दे हाथ विच कंघी ए, इह दुनिया रंग बिरंगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका अपना सरफराज लिखी अल मशहूर सुसरा। नाज़रीन, आज हम ऐसी जगह पर मौजूद हैं, मेरे पास एक बहुत ही प्यारे फ़नकार, बड़े ही कमाल आर्टिस्ट हैं, लेकिन वो उस लेवल के फेम नहीं हैं जिस लेवल का आर्टिस्ट को होना चाहिए, लेकिन उसके अंदर टैलेंट बहुत ज़्यादा है। तो बड़ी मुश्किल से मिले हैं आज मुझे ये, तो मैं इनका नाम इनकी ज़ुबान से पहले पूछूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या नाम है आपका? जी सरफराज भाई, मेरा नाम अरशद अली रांझा है। देखें, ये पहला रांझा है जो बांसुरी के बगैर रांझा है। ये हैरान कन बात है कि बांसुरी भी नहीं और रांझा है, और रांझा है देखो कैसी बात है, चूरी भी नहीं खाता, सिंघाड़े खाता है। देखो ना, पहला रांझा है, इस तरह के रांझे आपने देखे नहीं होंगे, यानी ये वो रांझा है कि इसकी हीर भी कोई नहीं और रांझा है, और अजीबो गरीब सा रांझा है, शलवार कमीज बांधा है, वो धोती बांधा सी। देखो कैसी बात है, अज ऐसे रांझे भी दुनिया में आ रहे हैं। ये वो रांझा है, वो रांझा झंग गया सी, तख्त धारे था सी, इन्होंने कई हज़ार देने ने, वो रांझे ने बेहतरीन रांझे ने, अल्लाह ने जिंदगी करे, क्योंकि ये कमाल रांझा है। ये वो रांझा है जिहड़ा बंदा कहिंदा नहीं वो रांझा राजी करता ही, ये वो रांझा है। तो आइए रांझा साहब, आपने जो कुछ भी जो नज़म लिखी है, कॉमेडी जो भी कुछ किया है, वो आपकी ज़ुबानी ही सुनेंगे, ये हमारा लोगो पकड़ लें आप। मैं को पंजाबी दी नज़म है, वो मैं जनाब दी खिदमत पेश करदा, दुनिया के मुख्तलिफ रंग विच मैं पेश कीते ने, ते जनाब दी नज़र कर रहा। ये दुनिया रंग बिरंगी है, कुछ भैड़ी है कुछ चंगी है, ये दुनिया रंग बिरंगी है, इत्थे लूले बाहां फड़दे ने, इत्थे लंगड़े दौड़ां लाउंदे ने, इत्थे लूले बाहां फड़दे ने, इत्थे लंगड़े दौड़ां लाउंदे ने, गंजियां दे हाथ विच कंघी है, ये दुनिया रंग बिरंगी है, इत्थे गुज्जर जुगतां करदे ने, इत्थे ढाड़ी खोते वाउंदे ने, इत्थे गुज्जर जुगतां करदे ने, इत्थे ढाड़ी खोते वाउंदे ने, रखी मलकां ने सरंगी है, ये दुनिया रंग बिरंगी है। इत्थे जेड़ा भी फनकार होया वो अपनी आप मिसाल होया, इत्थे जेड़ा भी फनकार होया वो अपनी आप मिसाल होया, किते वौकी है किते गंदी है, ये दुनिया रंग बिरंगी। ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸੀ ਦੋ, ਵੌਕੀ ਅਤੇ ਕੰਧੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਤੇ ਵੌਕੀ ਏ ਕਿਤੇ ਕੰਧੀ ਏ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੀ ਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਖਤਲਿਫ ਰੰਗ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੁਰਬਤ ਨਾਲ ਨਡਾਲ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਗੁਰਬਤ ਨਾਲ ਨਡਾਲ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੇ ਜਾਨ ਸੂਲਾਂ 'ਤੇ ਟੰਗੀ ਏ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੀ ਏ, ਕੋਈ ਦਾਰੂ ਪੀ ਪੀ ਅੱਕਿਆ ਏ, ਕੋਈ ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਥੱਕਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਾਰੂ ਪੀ ਪੀ ਅੱਕਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਥੱਕਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਰਸੀ ਹੈ ਕੋਈ ਭੰਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੈਰਤ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਉਹ ਬਾਗੀ 'ਤੇ ਮਫਰੂਰ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਗੈਰਤ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਉਹ ਬਾਗੀ 'ਤੇ ਮਫਰੂਰ ਹੋਏ, ਉਹ ਜਬਰੂ ਏ ਮਲੰਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇਲਾਕਾ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਏ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਦਾ ਦਿਲ ਨੌਸ਼ਾਦ ਏ, ਮੇਰਾ ਇਲਾਕਾ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਏ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਦਾ ਦਿਲ ਨੌਸ਼ਾਦ ਏ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਬੇਲੀ ਸੰਗੀ ਏ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੀ ਏ। ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਹੌਰ ਏ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਗੌਰ ਏ, ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਹੌਰ ਏ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਗੌਰ ਏ, ਜਿੱਥੇ ਗੁੱਡੇ ਨਾਲ ਪਤੰਗੀ ਏ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੀ ਏ, ਇੱਥੇ ਗੌਸ ਕੁਤਬ ਅਬਦਾਲ ਹੋਏ, ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਰਤ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ, ਇੱਥੇ ਗੌਸ ਕੁਤਬ ਅਬਦਾਲ ਹੋਏ, ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਰਤ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਖੈਰ ਕਲੰਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਏ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੀ ਏ, ਅਤੇ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਾਚਣੇ ਦਾ, ਵਸਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦਾ, ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਾਚਣੇ ਦਾ, ਵਸਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦਾ, ਤਲਵਾਰ ਅਰਸ਼ਦ ਦੇ ਨੰਗੀ ਏ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੀ ਏ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਕੀ ਵਿਆਹ ਕੀ ਕੁਵਾਰੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਕੀ ਵਿਆਹ ਕੀ ਕੁਵਾਰੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਪੁੜਪੁੜੀ ਮੇਰੀ ਰੰਗੀ ਏ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੀ। ਬਹੁਤ
अर्शद साहब बहुत ही खूब क्योंकि पुड़पड़ी मेरी रंगी है जड़ी ना पंच तुसी बहुत अच्छी की दी है। नाजरीन ये थे अर्शद अली रांझा साहब और कमाल इन्होंने नज़म लिखी है। यकीनन ये मेरी आज की वीडियो ये नज़म आपको बहुत पसंद आई होगी और इंशाल्लाह ताला ऐसे शोज़ आपके लिए लेकर आता रहेगा सरफराज विक्की। मस्करियाँ चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और घंटी दबाना मत भूलिएगा क्योंकि ससुरा आपके साथ है। अल्लाह हाफिज़।